हे गाइज, वेलकम बैक इन माई न्यू वीडियो। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक हॉल वीडियो डाला हुआ था और उसमें मैंने शेयर किया हुआ था एक स्लीपिंग मास्क। तो आप लोग को आज इसका रिव्यू देने वाली हूँ। पूरा प्रोडक्ट का रिव्यू है इस विटामिन सी स्लीपिंग मास्क का। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है कौन सा स्लीपिंग मास्क लगाना बेटर रहेगा, कौन सा स्लीपिंग मास्क लगाएं, या फिर ममा अर्थ स्लीपिंग मास्क कैसा है। तो इन सभी रिक्वायरमेंट को देखते हुए मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं बनाऊं आप सभी के लिए कि ये वाला स्लीपिंग मास्क कैसा है, मैं इसका रिव्यू करूं। ठीक है, स्लीपिंग मास्क लगाना क्यों जरूरी होता है, पहली बात तो आप लोग ये जान लो, क्योंकि आपकी स्किन जो होती है रात में बहुत अच्छे तरीके से रिज्यूमिनेट होती है। तो इसके लिए आप लोग स्लीपिंग मास्क लगाओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, आपकी स्किन बहुत रिलैक्स होती है उस टाइम पे और बहुत अच्छे तरीके से रिजुवेनेट होती है। तो आपके स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो आता है अगर आप कंटिन्यू यूज करते हो एक अच्छा सा स्लीपिंग मास्क। नाउ गाइस, अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट की कि प्रोडक्ट कैसा है, क्वांटिटी क्या है, लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और लगाने के बाद कैसे होता है, कैसे यूज किया जाता है। जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको मैं इस टाइम नाइट सूट में दिख रही हूँ, दैट्स वाई, क्योंकि अभी मैं सोने वाली हूँ, रात का ही टाइम है, मैंने सोचा मुझे अप्लाई करना है तो क्यों ना मैं वीडियो आप लोगों से आज शेयर ही कर दूं इस प्रोडक्ट का। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो बात करते हैं कि इसकी क्वांटिटी मैंने क्या ली हुई है। मैंने ली थी इसकी 100 ग्राम की क्वांटिटी वाला ये पैक, एंड इसके साथ में मुझे मिला हुआ था ये छोटू सा पैक एक फ्री का, इसके साथ में फ्री मिला हुआ था मुझे। तो आपको बता दूं, पर्पल पे या फिर mama.com पे आप लेते हो तो आपको अच्छी खासी डील मिल जाती है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो किसी भी साइट से, आपको जिस पे भी अफोर्डेबल पड़े आप उस पे जाके ट्राई कर सकते हो। तो ये जो पैक है गाइस, इसका पहले बात तो आप नाम जान लो, ममा अर्थ विटामिन सी स्लीपिंग मास्क विद विटामिन सी एंड एलोवेरा। विटामिन सी गाइस आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर आप विटामिन सी वाली चीजें फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाओगे और साथ ही साथ अच्छी चीजें लगाओगे विटामिन सी की, तो आपकी जो स्किन है बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएगी, बहुत जल्दी कोई दाग धब्बे हैं तो वो हट जाएंगे आपके स्किन से, और रिजुवेनेट तो बहुत जल्दी होगी आपकी स्किन और हेल्दी ग्लो आएगा आपके स्किन से। अभी बात करते हैं इसकी क्वांटिटी क्या है, दिखता कैसे है, टेक्सचर कैसा है। इसको ओपन करेंगे सबसे पहले इस तरीके से, एंड इसको एक इस तरीके का इसमें कवर होगा, इसको निकालेंगे जो कि इसको सिक्योर करने के लिए होता है। काफी टाइम यूज किया उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा गाइस। ये बिल्कुल सिलिकन जैसा, जैसा प्राइमर होता है, आपने प्राइमर अगर फेस पे लगाया हुआ है सिलिकन बेस वाला, तो बिल्कुल उसी तरीके से है ये। इसका टेक्सचर गाइस बहुत, स्मेल इसकी फ्रेग्रेंस वाओ, मतलब इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इसकी स्मेल है। एंड टेक्सचर आपको मेरे हैंड्स पे दिख रहा होगा, ये दिखता ही नहीं, बिल्कुल एकदम मैट फिनिश देता है। आप लगाते हो तो आपको एक मिनट के लिए अपना चेहरा खुद ही खूबसूरत लगने लग जाएगा। मैं अपने फेस इस पे हैंड्स पे लगाऊंगी एंड देखना आप लोग थोड़ी देर में गायब हो जाएगा, वैसे दिखता ही नहीं लगाने के बाद, ये लगेगा ही नहीं कि कुछ लगाया है। बहुत ज्यादा लाइट वेट है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छा टेक्सचर है इसकी, मतलब मुझे ही, मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज किया और मेरा ये फेवरेट स्लीपिंग मास्क बन गया, मैं इसको इन फ्यूचर यूज करने वाली हूँ। एंड नाउ गाइज, बात कर लेते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। प्राइस गाइज इस पे मेंशन की हुई है साफ साफ 599 यानी कि 600 रुपीज में, बट अगर आप अच्छे खासे डील में फेस्टिव सीजन में इसको लेंगे अच्छा ऑफर देख के, तो इसपे 100 रुपीज का या फिर कुछ फ्री गिफ्ट के साथ में ये आपको रिसीव होता है, अच्छी खासी डील मिल जाती है आप लोगों को। वैसे मैं बताऊं, इस प्रोडक्ट के साथ में मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं, इसके प्राइस के हिसाब से, इसकी क्वांटिटी, इसका टेक्सचर, लगाने के बाद इसका जो फिनिश मिलता है, लगाने के बाद जो कूल कूल लगता है फेस पे, और मतलब सारी चीजें इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। अभी मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाने वाली हूँ कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। इस आप लोगों को बता दूं, मैं अभी अप्लाई करने वाली हूँ एक छोटा सा पैक इसका स्लीपिंग मास्क का, और इसके साथ में ये छोटा सा मिलता है लगाने के लिए एप्लीकेटर जिसे अपने फेस अप्लाई कर सकते हो। आपको बता दूं इसका इफेक्ट कितने दिन में दिखेगा, आपको एक महीने लगातार लगाना होगा, उसके बाद आपको लगेगा आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा स्मूथ, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा आपकी स्किन में, लेकिन आपको कंटिन्यू लगाना होगा उसके बाद ही आएगा। अभी चलते हैं कैसे अप्लाई करना है। सिंपली मैंने इसको देखो पूरा फिनिश कर दिया, दिखेगा नहीं, कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, लेकिन देखो फिनिश कर दिया हुआ है मैंने। इसके बाद आपको क्या करना होगा, एप्लीकेटर से, आप अगर एप्लीकेटर से लगाते हैं तो आपको इस तरीके से निकालना है, एंड उसके बाद अपने फेस पे आपको अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है, जस्ट लाइक दिस। तो गाइस आपने देखा मैंने मेरे फेस पे एक साइड में इसको लगाया हुआ है। आपको बता दूं, अब इसको लगाते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है। आपको एप्लीकेटर से लगा रहे हो या फिर फिंगर से लगा रहे हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी एक थिक लेयर आप लोगों को लगानी है, बहुत ज्यादा थिक भी नहीं लेकिन एक लेयर आपको लगानी है। उसके बाद अपने फेस पे आपको अपना हाथ लगा के इसको रब करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कुछ टच करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको लगा देना है, उसके बाद लगा के आपको सो जाना है। ऐसा भी नहीं कि लगा के आपको तुरंत सोना ही सोना है, अगर सो गए तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको नाइट में लगा के सो जाना है, रिलैक्स एकदम रहना है। उसके बाद ये अपने आपसे, आपके स्किन से धीरे-धीरे गायब हो जाएगा, लेकिन अपने स्किन पे रब नहीं करना है, नहीं तो इसका एक अच्छा सा इफेक्ट नहीं दिखेगा। अभी मैं इस साइड में अपने फिंगर्स की हेल्प से इसको अप्लाई करने वाली हूँ।
गाइज मैंने अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है अपने फेस पे, बहुत अच्छे से अप्लाई नहीं किया बिकॉज मैं अभी कैमरे के सामने हूँ तो उतने अच्छे से नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपको लगा लेना है उसके बाद आपको रिलैक्स करना है। और हाँ एक चीज और, आपको ये चीज ध्यान देना है कि आपके स्किन पे कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए, और इसके पहले कोई स्किन केयर की चीज लगाए हो वो भी पहले आपको वॉश करना है। सबसे पहले इसको कैसे लगाना है आपको बता दूं, अपने फेस को आपको अच्छे तरीके से एक अच्छे से फेस वॉश से वॉश कर लेना है अच्छे तरीके से, जैसे आपके स्किन पे कोई मेकअप ना रहे। मैंने अभी कोई मेकअप नहीं लगाया था, सिर्फ लिपस्टिक को छोड़ के मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया हुआ था। तो उसके बाद आपको अपने सिर्फ नॉर्मल फेस पे, क्लीन फेस पे इसको अप्लाई कर लेना है, चाहे आप एप्लीकेटर से करो चाहे आप अपने फिंगर से करो, डजंट मैटर, उससे कोई मैटर नहीं है, आप कोई भी चीज से अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज यही था इसका एक छोटा सा रिव्यू जो कि मैंने शेयर किया, डेमो शेयर किया हुआ है। और उसके बाद आप मॉर्निंग में उठोगे तो सोचोगे अब क्या करूं, इसको छुड़ाना है कि नहीं छुड़ाना, आपको नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश करना है या फिर जैसे भी आप करना चाहें वैसे रह सकते हैं। तो बस यही था फिर आज का छोटा सा ये रिव्यू कैसा लगा गाइज आप लोग बताइएगा। और इस तरीके के प्रोडक्ट्स के रिव्यू अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे जल्दी जल्दी से चैलेंजेस, वीडियोस, व्लॉग्स सारी चीजें आती रहती हैं। तो या बाय गाइज, टेक केयर, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।